ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ? बनाने वाली हूँ एक सैंडविच। सो अंडा रखना है बॉईल करने के लिए, एंड क्या, वैसे अभी थोड़ी देर पहले उठी, जस्ट 15 मिनट्स पहले उठी, और अभी कितना 9:45 हुआ है। क्या ज़बरदस्त सोई, बट लेट रात को सोई, बहुत लेट सोई, सो लेट उठी। आज पूरा कोशिश करना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम मैं काम ख़त्म करके फटाफट यू नो सो जा सकूं। सो अभी जाती हूँ, अंडा बॉईल करने रख देती हूँ, और जो बर्तन धो के रखे हैं वो बर्तन पोंछ के जगह पे रख देती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मतलब एक चीज़ तो दिखा दूँ जाने से पहले, मैं आप लोगों को झाड़ू नहीं दिखाना चाह रही हूँ, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि फाइनली ये मैं कब से ऑलमोस्ट समझ लो साल हो गए, 2 साल तो मिनिमम हो गए दैट मैं पंकज को बोल रही थी ऐसा कुछ लेके आओ, पानी भर के रखते हैं, इमरजेंसी में जब चाहिए होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। सो फाइनली शाबाश। आसमान दिखाना चाहती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, जरा देखिए। सो जबरदस्त बारिश हो रही है, एंड आज बहुत ही यम वाला टेस्टी वाला मैं आज डिश बनाना चाहती हूँ, देखती हूँ कैसे बनता है, जरा इसको हाँ कैसा बनता है। वैसे इसे हम कहते हैं झींगे टाइप, झींगे बोलते हैं, पर आई डोंट नो इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलते हैं। सो इसका और आलू का मैं करने वाली हूँ, मतलब आलू झींगे पोस्तो, सो खसखस डाल के। दीदी अगर ये ब्लॉग देखी ना गुस्से में लाल हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि दीदी और मेरा दोनों का ही मोस्ट फेवरेट डिश है। वैसे पंकज को मैंने बताया नहीं मैं ये बनाने वाली, क्योंकि इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे एक्चुअली ये जो झींगा है, मतलब ये जो है, इसका मुझे कुछ बनाना था, पर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, सारे वेजिटेबल्स डाल के क्या बनाऊँ। फिर मुझे ध्यान आया यार बहुत टाइम हो गया है मैंने खसखस डाल के मैंने ये बनाया नहीं। आई डोंट नो पंकज को आई होप अच्छा ही लगेगा थोड़ा नॉर्मल, क्योंकि पंकज ने उस दिन मेरे बर्थडे के दिन हम लोग गए थे तो आलू पोस्त तो हमने ऑर्डर किया था, तो पंकज ने जम के खाया। तो चलो अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्याज वगैरह सब काट रही हूँ, सिर्फ 2 ही डिश बनेगा और बनने वाला है राइस, एंड आज पापलेट पकस लाया है, सो वो पापलेट डाल के मैं बनाने वाली हूँ। पता नहीं कुछ तो एक फिश करी बनाऊँगी, ऑब्वियसली कोकोनट तो रहेगा नहीं तो पंकज को फिर भी जम जाता है, मम्मा को ज़रा से भी नहीं जमेगा विदाउट कोकोनट अगर रहा तो। सो अभी मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ मतलब कटिंग शटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात में मिलती हूँ। मैंने सब्ज़ी सब कुछ काट लिया था, एंड मेरे ध्यान से निकल गया कि मैंने अदरक और लहसुन को मैंने साफ़ नहीं किया, तो मुझे अदरक और लहसुन चाहिए। मैं थोड़ा सा फिश करी में डालने वाली हूँ, और लहसुन जो है वो मुझे डालना है आलू झींगे पोस्तों में। सो अभी गया करंट, अगर मेरा ये रेडी रहता अब तक मेरा दोनों का दोनों मैं पेस्ट कर लेती हूँ, अब पता नहीं करंट कब आएगा। आई डोंट नो पंकज, आई वांट करंट। अरे क्यों, मतलब मेरे को मिक्सर में काम है, क्या करूँ अभी, मिक्सर में पेस्ट नहीं किया तो फिर नहीं होगा। हाय रब्बा, थोड़ा चाहिए। तो करंट आ गया है और मैं फटाफट पहले पेस्ट कर लूँ, बिकॉज फिर से अगर गया
क्योंकि कभी कभार मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि करंट अगर एक बार जाना शुरू करता है ना, एक दो बार अगर गया ना तो बहुत बार जाता है करंट। सो ये एक बहुत ही गंदा है, मुझे जो पसंद नहीं है। सो चलो मैं पहले सब कुछ कर लेती हूँ, पेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। सो ये रहा आलू कालो झींगे पोस्तो, और ये रहा फिश करी जो थोड़ा मैंने अदरक लहसुन डाला था, बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी देखते हैं राइस के साथ कैसा लगता है। सो हम लोग इधर आए हैं, पंकज शायद इस पिलर के पीछे होगा। सो मटन लेने आए हैं क्योंकि संडे को दीदी और दीदी के ससुराल वाले आने वाले हैं पहली बार। सो मटन तो मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए पंकज गया है मटन लाने। एंड हम लोग थोड़ा कुछ बाहर खाए, वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हाथ पूरा पैक था, फ़ोन बैग में था, सो फ़ोन निकाल के शूट करना पॉसिबल नहीं था। एंड थोड़ा कुछ खाकर बस अभी मटन लेंगे एंड देन बैक टू होम। एंड मम्मा के लिए भी थोड़ा वड़ा पाव ले लिए, थोड़ा मतलब एक ही वड़ा पाव लिए स्नैक्स के लिए। सो अभी थोड़ी देर में घर जाएंगे। ना पॉटी नहीं किया, बस सुसु किया। ए बब्बा सॉरी 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 सॉरी, ये तो ये वहां पे पानी है। हां बाटली का भी हो सकता है। अरे बेबी बाबा 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 मां सोना बाबा मां ओले बाबा ओले बाबा मां बाबा मां बाबा हम बाबा हम बाबा सोना बाबा मां। बाटली का पानी तो भरा हुआ ही है, इतना ही तो था। यहाँ पे एक कबूतर इस तरह से बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो भी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सो हुर यू नो, हम जब उसका आंखें देख रहे हैं ना, लाल है, और ऑब्वियसली कैमरा में तो ऐसा ही दिखेगा। सो आ गई हूँ किचन में, एंड बहुत टाइम से मैं एवरी टाइम एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँगी नूडल्स, बट नूडल्स बन ही नहीं रहा है। नहीं मम्मा ये दच है, ये खाएगी, क्या बोलती है क्या बोलते हैं उसको, मम्मा क्या खाएगी, वड़ा पाव, वड़ा पाव लाया गया था तो वो वड़ा पाव खाएगी। एक्चुअली मम्मा को खाने का मन था समोसा, तो हम लोग आते वक्त समोसा लेके आए थे, तो मम्मा ने समोसा और मिर्ची भी खा ली, तो अभी मम्मा ने बोला नहीं मैं वड़ा पाव खा दूंगी। सो अभी जो सुबह का ब्रेकफास्ट में बचा है अंडे का जो मैंने सैंडविच के लिए, तो मैं सोच रही हूँ वो मेरे और पंकज के लिए बना लूँगी। एंड बता नहीं आज ना बहुत, मतलब थोड़ी टाइम से लाइक यू नो एक घंटे से बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा मीन्स क्या बोलो, सर्दी तो थोड़ा लगी है, ये तो मेरा यू नो 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे भी नहीं, 12 महीने का एक कहानी, मतलब क्या बोलो कहानी भी नहीं, मतलब ये एक एलर्जी जो है मेरा गंदा वाला। सो थोड़ा वीकनेस वाला फील हो रहा है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो चलो अभी क्या और कुछ तो बनाने वाली हूँ। नहीं मेरा बड़ा मन था कि नूडल्स बनाऊँगी, हक्का नूडल्स बनाऊँगी, थोड़ा सा यू नो प्रॉन्स वगैरह डाल के, बट पता नहीं वो कब खाने को मिलेगा, गॉड नो। सभी कल वेज है, कल पॉसिबल नहीं, देन और नेक्स्ट डे संडे है, संडे के दिन आने वाली है दीदी और उसके फैमिली, तो पॉसिबल नहीं है। सो डायरेक्ट बनेगा ट्यूसडे, होप सो कि ट्यूसडे बने, पर ट्यूसडे भी नहीं बनेगा क्योंकि ट्यूसडे मम्मा का बर्थडे है 10th of August, सो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो बाहर ही, सो शायद वेडनेसडे देखते हैं। एंड आज पंकज ने बहुत कोशिश की
अभी उसको हमने ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ डिनर दिया डेजी को. सो डेजी देख सकते हो. सो डेजी खाना खाने के बाद भी सुसु नहीं किया, बल्कि यहाँ थोड़ा डांस वांस करके सुसु कर ली. सो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से कल. सो अगर ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो. छील दे मेरे कपड़े को, छील मेरा पूरा पूरा हाथ वाथ को छील छील के क्या हाल कर दिया है, हर जगह पे नए नए इसके नाखून के दाग. सो चलिए बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स.